अच्छा, ये प्रॉब्लम थी, इसके चक्कर में आपने सोचा नहीं कि दूसरी ज़िंदगी ख़राब करूँ मैं? आप जैसे वैसे सोच सबकी हो जाए ना, फिर तो बात ही क्या है। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? है जी, सोनू। सोनू भाई, रिक्शा चलाते हो? मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, बड़े उदास बैठे हो। काम धंधा नहीं है? अच्छा, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है? ऐसे बैठे रहते, मुझे क्या करें। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठे रहते हो? काम मिल जाता है, कभी 100 रुपये का, कभी 150 का, कभी 200 का फेरा लगता है। आज कितने का काम हुआ आपका? मेरा हुआ सुबह 140 रुपये का काम, बस। उसके बाद रोटी आटी खा के सो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम ही नहीं होता? कभी कभार नहीं होता। अभी पैसों वाले ने 300 रुपये कमाया, तो 250 रुपये दवाई लेके आया था। और ये जो अभी लॉकडाउन लगा था महीने का, इसमें क्या क्या करा आपने पूरा महीना? उसमें पूरे महीने बस इसी को लेके घूमता था, सारे पर ऊपर वाले का सारे पर। अच्छा, कभी 100 कभी 150 कभी। तो लॉकडाउन में पूरे 30 दिन कुछ काम काज में पैसे वैसे बने या बिल्कुल नहीं बने? बिल्कुल नहीं बने, खाली रोटी पानी चाय पानी। तो रिक्शा आपका अपना है या रेंट पे वो करा? है? भाड़े का। भाड़े का है? कितना भाड़ा देते हो? उसका 50 रुपये डेली का, चाहे काम हो या ना हो देने पड़ेंगे, ये भी मजबूरी है। तो बच्चे परिवार में? बीमार कैसे आदमी? मतलब सुनता नहीं मैं। अस्थमा का मरीज हूँ। अस्थमा का मरीज, तभी शादी नहीं करी? दवाई के सारे पर चलता हूँ, दवाइयाँ बड़ी पड़ी हैं सर। नहीं, शादी ना, शादी मतलब इसलिए ये सोच के नहीं करी कि मेरी मतलब शादी करूँगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी, ये सोच के शादी नहीं करी? वो भी तो उसी बड़ी बड़ी की बच्ची है, हमारी लाइफ खराब है, उसकी लाइफ खराब है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, दिल जीत लिया आपने। अच्छा, ये प्रॉब्लम थी, इसके चक्कर में आपने सोचा नहीं कि दूसरी ज़िंदगी ख़राब करूँ मैं? आप जैसे वैसे सोच सबकी हो जाए ना, फिर तो बात ही क्या है। अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 45। तो घर में कौन कौन है? पापा है, अच्छा भाई बहन है, वो अपने अलग। अच्छा, आप रात को रिक्शे पे सो जाते हो? और सर्दी गर्मी का कोई आदत पड़ गई है? जो जिसका रिक्शा है वो इंसान अच्छा है, मतलब वो कहता है कि भाई अगर पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है वो? चलो, ये तो भगवान की कृपा है, कैसे लोग हैं। ये मालिक थोड़ा सही है। सही है मालिक? हाँ, सही है। अच्छा, चलो बढ़िया है। ड्रिंक दारू वारू तो नहीं पीते? पक्का ना? और गुटका गुटका वुटका पहले खाते पीते थे, जब से ये सास का मरीज, जब से दिक्कत हुई छोड़ दिया। और ये मेहनत करना, खींचना इसको, टाइम के लिए खाना पीना नहीं है। ये अस्थमा की प्रॉब्लम कितने सालों से है? ये मेरे को 20 साल से। 20 साल से दवा खाओगे, चलते रहोगे, नहीं खाओगे तो नहीं। ऐसे क्यों सोचते हो भैया? भरोसा नहीं है, परमात्मा बैठा है ना, भगवान बैठा है देखने के लिए। वो तो बात सही है सर, इतने सालों से नहीं हुआ, अब क्या होगा? दवाई लेके आते हैं। देखो, हर एक इंसान को ना भैया, हर एक इंसान को अलग चोला मिला है, किसी को अरब पति बना दिया, तो ये तो परमात्मा के हाथ में है। अभी तो बीमार हूँ, फिर भी ठीक है, खाना दुनिया भर का मिलता है, मैं चाहूँ तो कहीं से मांग के ला के खा लूँ। मांगने की आदत नहीं है, मगर अकेला पेट है, मगर नहीं, अपनी मेहनत की खुददारी हो गई तो बड़ी बढ़िया। मैं कुछ आटा चीनी वगैरह ला के दूँ तो फिर बना के कहाँ पे खाओगे? नहीं, हमारा एक साथ वाला बनाता है बसों में। अच्छा, इसके भाई वो मैं उसके पास भी खाता रहता हूँ। अच्छा, कभी कभार पैसे लेता है आपसे खाने पीने के? वो नहीं। तो एक काम करो, मैं अभी आपको आटा चीनी और दाल वो दे रहा हूँ, दोस्त के पास जाना अपने वहीं।
उसी के पास बैठ के आराम से खाना। मैं आज भी उसके पास खा के आया था, खा के दिया था। अरे अच्छा, ऐसा दोस्त है कि खाना पीना भी खिला देता है? हम लोग आपस में ही है। चलो, मगर वो अपने हाथ से बनाता है, मगर चलो भगवान ठीक करेगा भैया, सब कुछ चिंता ना करना आप। सब उसके हाथ में, परमात्मा के हाथ में। अच्छा, एक पूरे दिन में आज कितनी सवारी पकड़ी आपने? मेरा उसमें 140 रुपये का काम होगा। कितनी सवारी पकड़ ली मोटी मोटी? मैंने 50 की उठाई थी। हाँ, 40 की, मतलब मोटी मोटी 3 सवारी पकड़ी बस। हाँ, पूरे दिन में। आप 2 मिनट रुको, मैं सामान ला रहा हूँ आपके लिए। ये लो, इसके अंदर है अपना आटा, ये चावल है। सब ऊपर वाले पे छोड़ दो भैया, बस उसके हाथ में। हाँ, बहुत सी सवारी मिलती है, बहुत से पैसेंजर सब लोग मिलते हैं, बोलते भैया कोरोना का क्या है, आपको डर नहीं लगता है? फिर तो मैं तो एक ही जवाब देता हूँ भाई, हमने अपना तन मन सब उसके हाथ में छोड़ा है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि डर नहीं लगता आपको कोरोना से? बहुत से डॉक्टर लोग आते हैं। आप ये कहते हैं ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने? सब के हाथ में उसके हाथ में छोड़ा मैंने। चलो, तन उसका मन उसका। धन्यवाद भैया, खुश रहना हमेशा। अब भगवान ने जो छोला दिया उसको पूरा निभाना, ये मत सोचना कि मैं गरीब हूँ या मैं परेशान हूँ या मेरे को अस्थमा की दिक्कत है। परमात्मा ने देखो ना, आपको ऐसा रिक्शे वाला मालिक दे रखा है, वो परेशान नहीं करता, आपका दोस्त खाना खिलाता आपको बनाकर, तो ये भी एक अच्छा समय है। सब कर्म का फल मिलता है। चलो भैया।